रोहित और कोहली दूसरे वनडे में क्यों मैदान पर नहीं उतरे, कप्तान हार्दिक पांड्या ने बताया कारण। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम दो बड़े बदलाव के साथ मैदान पर उतरी। इस मैच के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया गया है और उनकी जगह प्लेइंग 11 में संजू सैमसन और स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल को शामिल किया गया। इस मैच में रोहित शर्मा को आराम दिए जाने की वजह से उनकी जगह टीम की कमान हार्दिक पांड्या को सौंपी गई। वनडे क्रिकेट में यह दूसरा मौका है जब वो टीम इंडिया की कप्तानी वनडे में कर रहे हैं। इससे पहले वो एक मैच में वनडे में भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं। इस मैच में वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस के वक्त इस मैच में टीम इंडिया की कप्तानी करने वाले हार्दिक पांड्या ने कहा कि इस मैच में हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। हार्दिक पांड्या ने कहा है कि मुझे लगता है जब आप किसी टीम को 114 रन पर आउट कर देते हैं तो गेंदबाजों को अच्छा प्रयास है। पहले वनडे मैचों में हमने कुछ काफ़ी अच्छे कैच पकड़े हैं, लेकिन हमें कुछ क्षेत्रों में सुधार करने की ज़रूरत है। आपका इस बारे में क्या कहना है? टीम इंडिया की हार की बड़ी वजह क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।